हेलो एवरीवन, आप सभी को रश्मि का प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बंदिश और उनकी लय के बारे में। ज़्यादातर हम जब बंदिशों को सीखते हैं तो उसकी मेलोडी को सीखना बहुत आसान होता है, लेकिन जब हम लय पे आते हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर हमारा जो कनेक्शन होता है बंदिश के साथ वो नहीं बन पाता। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस किस लय की बंदिशों को हम किस किस ताल में गा सकते हैं। हमारी तीन तरह की लय होती है जिनमें बंदिशों को गाते हैं, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। तो जो विलंबित लय की बंदिशें हैं वो ज़्यादातर तिलवाड़ा ताल, झूमरा ताल या फिर एक ताल में गाई जाती है, और जो मध्य लय की बंदिशें हैं वो तीन ताल, चार ताल, रूपक ताल या झप ताल में गाई जाती है। और जो तीसरी लय की बंदिशें होती है जिन्हें हम द्रुत लय की बंदिशें कहते हैं, वो ज़्यादातर तीन ताल और एक ताल में गाई जाती है। तो जब भी आप बंदिशें सीखें आप इन तालों को पहले सुने, समझें और उसके साथ बंदिशों को गाने की पूरी कोशिश करें। आई एम श्योर कि आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।